ठाकुर विक्रम सिंह अपनी चाल को सही दिखाएगा। घबराओ नहीं शंकर सिंह, राजा हम तेरे घर में आग ना लगाया तो मेरा नाम ठाकुर विक्रम। यो विक्रम है, यो विक्रम है कि आग लगाने के बाद वापस लौट कर नहीं देखता है। राजकुमार में राजकुमारो उदास साले बाबू साहेब देख बे इसके मूत पानी बनावत मूत पानी बे। हम बताते हैं देख बे, हम लोग अब चलते हैं जिला बनारस में। जब एक दिन की बात थी, हम आम के धंधा किए थे ना बे, हमसे एक प्रेमिका मिली थी, वो आम लिया मुझसे। उसके बाद मैं आम की बात तुझे बता रहा हूँ। अरे कहा खाई गयो लगाम दाम बोला मेहरारू के अमवा दाई के मर्दवा जब चला गया रहा तो मेहरुआ का कहतवा मेहरुआ कहाए कहाए दिहे रहा सारा ही लया बताम साथियों, घर पे बहन की शादी पड़ चुकी है और मैं दुकान से सामान इकट्ठा करके एक टाली पे लदवा करके घर को भेज दिया है। सेठ साहूकार का हिसाब देने में कुछ समय लग गया। अब मैं घर को चल रहा हूँ, घर पे इंतजार करते होंगे, मैं घर को चल रहा हूँ। बात तो मेरा सपना साकार हो गया यार। कैसे भैया? जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी एक वांट निकला था, मैं उसी वांट को भर दिया था, वही लेटर हमारे पास आया, कल ही हमको ज्वाइनिंग करना है। तो भैया आप पहुंच गए हैं वहाँ ड्यूटी पे हाँ तो हमारे बारे कुछ सोच पे। अरे यार क्यों नहीं यार, हमका होम ही बनाई दे। अरे पगला होम गार्ड उठे कहते हैं भैया, हमका बनाई दे बोले। क्यों नहीं यार, लेकिन भैया सुने जरूर बात। सुनूंगा क्यों नहीं सुनूंगा। हाँ भैया, तो मैं घर को चल रहा हूँ। नहीं जी के बिहारी देवा
कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं। राजकुमार भैया है, छोटे भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। सच भैया आइए, हाँ तो आइए। आखिर ये बताइए भैया, आप बाजार गए थे, बाजार आने से इतना देर क्यों हो गया? अरे पगला, तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि 10 सामान 10 जगह से इकट्ठा करना पड़ा और 10 सेठ साहूकार का हिसाब देने में कुछ तो समय लगेगा। उसके बाद में जब मैं घर को चला तो रास्ते में मुझे पोस्टमैन मिल गया। वो किस लिए मिल गया भैया पोस्टमैन? अरे वो बात आपको बताऊंगा तो मुन्ना तुम झूम करके नाचने लगेगा। आखिर वो कौन सा बात है? मैं आपको बताऊंगा। देते हैं 4 लाख 5 लाख घूस देते हैं तब जाकर के नौकरी पाते हैं। मुन्ना आज ये तुम्हारा राजा भाई बगैर घूस की नौकरी पा रहा है। ड्यूटी जाने में दखलंदाजी मत करो। रही बहन की शादी, मैं जो पड़ोस में राजकुमार रहता था मैं उससे बोल करके जाऊंगा, बहन की शादी में भरपूर हाथ बटाएगा और पूरा सहयोग करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखा भैया जा कमाओ के देवरान बना दिया, देवरान बना दिया और किसका जिठान बना दिया भाई। तो भैया तो नहीं मानोगे? नहीं मुन्ना, सुबह ही हमको करना है। तो जाइए सो खुद से आज ये ड्यूटी पिरन अपना चिंता ये घर का ये करीना बिरन बहन की शादी भैया करूं सोप से बहन की शादी Thank you.
लिपागार पान पर मुझे भेज दो जोड़ने की कोई बात नहीं है, मैं पहले ही पगार पाते ही तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दूंगा और पैसा निकाल करके उससे धनराज का कर्जा भी अदा कर देना मुन्ना, और बहन की शादी का जो कर्जा रहेगा उसको भी अदा कर देना। ठीक है भैया, आप जा सकते हैं। क्या बात है मुन्ना, अब आप जा सकते हैं। अरे बीरना Thank you.
यार, आखिर कहाँ चला जाता है। बोलिए राजकुमार। देखा बराता। हाँ मेरे भाई। लेकिन एक बतावा, हाँ मिठाई के हम छौना वाला व्यवस्था किए हैं। छौना वाला? अरे जो मोहन हम डाला थी रसवा चुआ था। रसगुल्ला? हाँ जो उज्जर उज्जर छीना वाला। लंडू ले ले का। लंडू का कर बे? अरे दूठी रखी दुई मात्रा लड्डू। हाँ भैया, और जो रसोस्त घोर दिए पाव आमी वाला। ठीक है, पूरी सब्जी सब बना चुकी तो ठीक है, व्यवस्था टाइट रखो, बरात आने वाली है। हाँ भैया। पानी तो यार डगरे में सब व्यवस्था है भाई, रास्ते में है। ये बताओ क्या है तुम? यार मैं लड़की के भाई हूँ। लड़की के भाई? जी हाँ। अच्छा देखा सारे के लड़की के भाई है। क्या हुआ बाबू साहेब? ये लड़की के भाई है। ये बताओ मोटर गाड़ी हमारे वही खड़ी है, पहली बार तो डगरा नहीं कटवाए खेते के। अरे यार भाई साहब, हमें गुस्साए वाली कौन बात है यार। खेते के डगरा नहीं कटवाए, बुलोरो हमारे वही फंसी बा। यार अभी हम दो मनई तीन मनई भेजता हूँ, निकलवा देता हूँ। और बुलोरो वही फंसी बा। पानी उन्हें कहाँ व्यवस्था किया भाई? पानी अगर आप लोग रास्ते में नहीं पाए तो आप लोग जनवास में बैठिए, मैं पानी की व्यवस्था जरूर करता हूँ। पानी की व्यवस्था केला के पाती लंबे लंबे बासमती के चावल हो। केला के पाती लंबे लंबे एक बात बता रहा शिवान। हाँ बाबू साहब, जितनी लड़कियां लाए हो नाचने वाली। हाँ बुलवाए हो। ठीक है बाबू साहब। ए वहां पर आते ना। मोरे पछावरा माराई बाबू साहेब, हमार बात सुना। हम सुना ऑर्केस्ट्रा की है। हाँ बारात में ऑर्केस्ट्रा की है। आप बैठे पहले। हाँ, और मैडम जी आइए यहाँ ऑर्केस्ट्रा दिखाइए।
बम है मेरी जवानी बाली है मोरी उमर चली जाओ। हे सुनो, तुम्हारे एटीएम में मैं डाल रहे रहा हूँ, तुम जाओ वहाँ बोगल में से निकाल लेना। अरे बोगल, बोगल में से निकाल लेना। जाओ 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 जाओ, चली जाओ जाओ। चिपा चिपा किली जैसे चिपा के दीवार से